अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो थैंक्स पर जरूर क्लिक करें और अपना प्यार भेजिए। हाथ से ना निकल जाए। मैंने कहा था कि खतरनाक आदमी कभी भी भाग सकता है। अरे ये क्या, ये तो रामू है। क्या हुआ, कहाँ गया वो? बॉस वो मेरे हाथ से निकल गया। उसने टायर पर गोली चलाई, मैंने भी गोली मारी, शायद उसे लगी है। फायदा क्या हुआ? तुम लोग कोई काम ठीक से नहीं कर सकते। जो चीज उसके पास है, अगर वो सरकार के पास पहुंच गई ना तो हम सब फंस जाएंगे। गाड़ी किसके लेके भागे हो? वो गाड़ी मेरी थी। चलो उसे ढूंढते हैं। वहां सिर्फ पंचर का क्या कर रहे हैं? पंचर बाद में, पहले से ढूंढते हो। पिछले 7 दिनों से उसकी पिटाई कर रहे हैं, लेकिन वो ये बताने के लिए तैयार नहीं है कि वो चीज कहाँ पर छुपा रखी है। बहुत पहुंचा हुआ आदमी है वो। जिस गाड़ी को लेकर वो भागा है वो खटारा है, ज्यादा दूर तक नहीं जाएगी, कहीं कहीं आगे जाकर खराब हो जाएगी। ये देख सामने तेरी गाड़ी। रोक 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 रोक, यही गाड़ी है तेरी? हाँ यही। गाड़ी में तो है नहीं, सीट पर खून पड़ा है, गोली तो लगी है उसे, बहुत खून बह रहा है। हाँ जंगल में क्या है? कोई फायदा नहीं है सुभाष, बाहर आ जा। देख तू अकेला है और हम तीन, तेरे पास एक गन है और हमारे पास तीन। जब तेरी गोलियां खत्म हो जाएंगी तब क्या करेगा? मैं कहता हूँ बाहर आ जा अभी। सर आ भी, कल रात को यहाँ से 15 किलोमीटर दूर समर जंगल में जबरदस्त गोलियां चली। अच्छा, एक लाश भी मिली है। लाश? पता चला किसकी है? नहीं सर, अभी तक तो कुछ पता नहीं चला। दया आशा सब लोग वहीं पर हैं। डॉक्टर सालुंखे भी पहुंचने वाले हैं, जैसे कुछ पता चलता है दया फोन करेगा मुझे। लगता है उसी का फोन है। हेलो। हाँ दया, कुछ पता चला उस आदमी के बारे में? क्या इंटेलिजेंस ऑफिसर फ्रॉम आईबी? जिस आदमी की लाश मिली है वो एक आईबी ऑफिसर था। अच्छा हाँ ठीक है, हम लोग पहुंचते हैं। आईबी ऑफिसर, वो लाश एक इंटेलिजेंस ऑफिसर की है? यस सर, डॉक्टर सालुंखे ने उस आदमी को देखते ही पहचान लिया, आपको बुलवाया है। मरने वाले का नाम क्या है? सर सुभाष। सुभाष, बुलेट की शेल्स। मैंने आज तक इतनी भयानक लाश शायद ही कभी देखी होगी। सर यहाँ कुछ शेल्स मिले, लाश वहां पड़ी सर।
सुभाष, माय गॉड, इतनी बुरी हालत मुझसे देखा नहीं जाता। इसे बहुत बुरी तरह से टॉर्चर किया गया, बहुत बुरी तरह से। ऐसे मौत तो गोली लगने से ही हुई, मगर उससे पहले इस पर काफी अत्याचार किया गया है। कैसे सहता रहा ये इतने दिन? इतने दिन मतलब? ये देखिए, ये गाल देखा, देखा कैसे जलाया हुआ है, एसिटिलीन गैस से जलाया गया है। गाल की हालत को देख के पता चलता है कि ये 4 दिन पहले किया गया, और बाद में इसके पूरे शरीर को सिगरेट से जलाया गया। सारे शरीर पर सिगरेट के निशान हैं। इतना ही नहीं, हाथों की 2 उंगलियों के नाखून भी खींच कर बाहर निकाले गए, और उसके पैर के तलवे को जलाया गया है मोमबत्ती से। लेकिन ये सब टॉर्चर अलग अलग दिन हुआ है। वो वहां एक गाड़ी खड़ी है सड़क पे, उसी से आया होगा ये यहां। लगता है गाड़ी खराब हो गई थी, स्टार्ट नहीं हो रही है, इसलिए वो गाड़ी छोड़ के यहाँ जंगल की तरफ भागा होगा। यहाँ कुछ गोलियों के शेल्स पड़े हैं सर। ये यहाँ भी है। और सर यहाँ भी कुछ शेल्स पड़े हुए हैं। सर दो अलग अलग जगह पे शेल्स पड़े हुए हैं, शायद 2 लोग थे। सब यहाँ पर काफी खून पड़ा हुआ है। ये देखिए सर, सुभाष ने जो गोलियां चलाई थी वो इनमें से किसी एक को लगी होगी और वो यहाँ पे आके गिरा होगा। खून बहुत बहा है, लाश तो यहाँ है नहीं। वो आदमी जरूर जख्मी हुआ होगा, और अगर उसे गोली लगी है तो वो यहां से सीधा किसी डॉक्टर के पास ही भागा होगा। अभिजीत, तुम आसपास की सारी डिस्पेंसरी, क्लिनिक, हॉस्पिटल चेक करो। हमारे पास सिर्फ यही एक लीड है, इससे हमें कुछ मिल जाए तो मिल जाए। सुभाष की बॉडी में से एक और गोली मिली, गोली कंधे में लगी है। मतलब इसे 2 गोलियां लगी। बहुत अच्छा ऑफिसर था। बस दिल तो नहीं चाह रहा था कि लाश की चीर फाड़ करूं, मगर क्या करूं, ड्यूटी तो ड्यूटी है, मुझे लाश काटनी ही पड़ी। जो गोली कंधे में लगी वो किसी दूसरी गन से चली, और जो गोली इसके सर में से मिली है वो इसने अपने आप खुद मारी। खुद मार ली? हाँ, गोली उसी रिवॉल्वर में से निकली है जो लाश के पास पड़ा था, और उस रिवॉल्वर पर सिर्फ इसी की उंगलियों के निशान थे। इसे 4-5 दिनों तक तड़पाया गया था, तो किसी ने इसे कहीं पकड़ के रखा हुआ होगा। और फिर सर ये वहां से किसी तरह से निकल भागा होगा, मगर रास्ते में गाड़ी खराब हो गई और फिर से घेर लिया गया। और कोई रास्ता नहीं बचा तो मार लिया अपने आप को। मगर बॉस, अगर ये भाग रहा था तो इसके पास रिवॉल्वर कहां से है? वो इसी का है? दिल्ली से इंफॉर्मेशन मिली है कि वो रिवॉल्वर उसका नहीं था। मतलब उन बदमाशों का ही चुरा लिया? हाँ, इतना तो एक्सपर्ट था ये, मगर किस बात के लिए उसे इतना तड़पाया गया? शायद कुछ इंफॉर्मेशन निकालने के लिए, जो ये बता नहीं रहा होगा। दिल्ली आईबी ऑफिस से एक इंटेलिजेंस ऑफिसर आ रहा है, वो ही बता सकता है कि सुभाष के पास कौन सी जरूरी खबर थी। कौन है ये ऑफिसर? रमन कपूर। मैं मुंबई पहुंच गया हूं, सीआईडी ब्यूरो की तरफ जा रहा हूं। नहीं, सीआईडी को अभी तक कुछ मालूम नहीं है, लेकिन हमें गड़बड़ तो उन्हें बताना होगा। आखिर हमारा अपना मतलब है, एक इंटेलिजेंस ऑफिसर मारा गया है। थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन हम देंगे सीआईडी को, बाकी वो लोग खुद ढूंढ लेंगे। हाँ, उत्साह दें ये लोग। क्लिनिक बंद, डॉक्टर आए नहीं अभी तक? टाइम तो 9 बजे का लिखा है, 11 बज गए, अभी तक तो कोई आया नहीं। कोई भी नहीं आया है? नर्स, कंपाउंडर,
कंपाउंडर आया था वो भी चकरा गया, क्योंकि आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं। अब डॉक्टर साहब के घर गया है पता करने। घर क्यों गया? वो फोन भी तो कर सकता था। नहीं, डॉक्टर साहब पास में ही रहते हैं। पास में रहते हैं और आए नहीं। सर? जी हाँ सर, पाटकर चौक के पास एक क्लिनिक है, सरला क्लिनिक, मैं वहां पर हूँ, मगर क्लिनिक बंद है सर, डॉक्टर आए नहीं अभी तक। वेरी अनयूजुअल इट सीम्स। जी हाँ सर, यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि ऐसा आज तक कभी हुआ नहीं है। आप आ रहे सर? हाँ हाँ सर। नहीं, अभी तक मैंने एसीपी साहब को बताया नहीं है। एसीपी प्रद्युमन। नाइस मीटिंग यू, रमन हियर। माय कार्ड। लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं, हम पहले मिल चुके एक बार दिल्ली में डीसीपी शर्मा की पार्टी में। ओह यस यस यस, मैं यही सोच रहा था कि आपको पहले कहीं देखा है, काफी पुरानी बात है। जी हाँ, 5 साल तो हो गए होंगे। डीसीपी शर्मा अब कैसे हैं? बीच में सुना था उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। हाँ, अब तो बिल्कुल ठीक है वो। मुझे लगता है कि अब पुरानी बातें करना मुनासिब नहीं होगा। मैं यहाँ क्यों आया ये तो आप जानते ही हैं। अच्छा, सुभाष पे जिन लोगों ने गोलियां चलाई उनका कुछ पता चला? जिस गोली से सुभाष की मौत हुई है वो उसने खुद ही अपने ऊपर चलाई है, उसे बहुत ही ज्यादा टॉर्चर किया गया था। ओह, मुंह से कहीं कुछ निकल ना जाए इसलिए उसने अपनी जान ले ली। सर, सुभाष ऐसी क्या चीज छुपाने की कोशिश कर रहे थे जिसकी वजह से उन्हें इतनी बुरी तरह टॉर्चर किया गया, आपको कुछ पता है? थोड़ा बहुत। सुभाष यहाँ कुछ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के पीछे लगा हुआ था, हर महीने अपनी रिपोर्ट भेजता था। उसकी आखिरी रिपोर्ट में उसने लिखा था कि उसके हाथ कुछ ऐसी चीज लगने वाली है जिससे सारे देश में धमाका हो जाएगा, फिर अचानक वो गायब हो गया। ऐसी क्या चीज हो सकती है? शायद कुछ लोगों के नाम होंगे, हमें उन लोगों को फौरन ढूंढना होगा। हमारे आदमी लगे हुए हैं। हेलो। हाँ अभिजीत बोलो। सर, मुझे यहाँ फाटकर चौक में बुलाया था आशा ने। सर, हम लोग वो 10 किलोमीटर के एरिया में सब डिस्पेंसरीज और क्लिनिक चेक कर रहे थे। है कोई चांस कहीं से कुछ मिलता है सुरा? नहीं सर, किसी ने कहीं पे कुछ नहीं देखा। सर, किसी आदमी को गोली लगी हो और कोई ना देखे, ऐसा कैसे हो सकता है सर? अभिजीत, देर रात की बात है, वो लोग कहीं चुपके से घुस गए होंगे। यस सर। सर, यहाँ पर एक क्लिनिक है, सरला मेडिकल क्लिनिक। सर, यहाँ पर हालात कुछ ठीक नहीं दिख रहे हैं। सर, सुबह से डॉक्टर साहब यहाँ आए नहीं है और उनका कुछ पता नहीं चल रहा है, अपने घर पे भी नहीं है सर वो। क्लिनिक बंद है या खुला है? सर, क्लिनिक बंद है और काफी लोग खड़े हुए हैं बाहर सर। लगता है कुछ है। लग तो रहा है सर। ठीक है, एक दो विटनेस ले लो साथ में और दरवाजा तोड़ दो, बाकी लोगों को हटा दो वहां से। यस सर। सुनिए, आप यहाँ रुके, बाकी सबको पीछे ले जाओ। चलिए आप लोग उधर जाइए। चलिए आप लोग, चलिए आप पीछे वहां ले जाओ सर। चलिए चलिए चलिए, दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। क्या लगता है सर? मुझे भी लगता है कि यही कुछ हुआ है ना। सदाकर सर, तोड़ दो दरवाजा। ओह माय गॉड, ये क्या हुआ? यहां जरूर कुछ हुआ है। ओह माय गॉड, डॉक्टर साहब को मार डाला। ध्यान से, आपके हाथ किसी भी चीज को लगने नहीं चाहिए। मनोज जल्दी आ, देख डॉक्टर साहब का खून हो गया। देखिए, आप लोग ऐसा कीजिए, आप लोग थोड़ा बाहर जाइए प्लीज। आइए प्लीज। इतना सारा खून, जरूर यहाँ किसी का ऑपरेशन हुआ है। ये देखो गोली,
डॉक्टर ने गोली निकाल के जान बचाई, उसी की जान ले ली उन लोगों ने। सर ये वही लोग हैं जिन्होंने सुभाष को मारा है? लगता तो ऐसा ही है। तुम यहाँ फिंगरप्रिंट्स ढूंढना शुरू करो। अब हमारे पास दो लाशें हैं, एक इस डॉक्टर की, दूसरी उस सुभाष की। सुभाष का रिवॉल्वर हम लोगों को मिला है, उसकी गोली से एक आदमी जख्मी हुआ है, कहीं ना कहीं तो जाएगा ही वो गोली निकलवाने। और वो गोली अगर हमें मिल जाए तो सही बात साबित हो जाएगी कि ये गोली सुभाष के रिवॉल्वर से चली है। और फिर सर हम ये साबित कर सकेंगे कि ये वही आदमी है जिसने सुभाष पे हमला किया था। एंड आई एम श्योर ये आदमी हमें उस पूरे टेररिस्ट गैंग तक लीड कर सकता है और आसानी से मिल भी सकता है हमें, अगर मर ना गया हो तो। हमारे लोग उस क्लिनिक में घुस गए होंगे, देखते हैं क्या मिलता है। हेलो, हाँ अभिजीत। सत्यानाश, डॉक्टर को मार दिया? मतलब यही लोग थे वहां पे जंगल में? और कुछ मिला? गोली? गोली भी मिली? अच्छा ठीक है, तहकीकात जारी रखो। ओके। देखा? सुना मैंने, डॉक्टर उस डॉक्टर को ही मार दिया जिसने गोली निकाली थी। और कुछ मिला वहां पे? कोई और क्लू? इन्वेस्टिगेशन चल रही है, देखते हैं क्या मिलता है। डॉक्टर सालुंखे, इतनी देर आपने इस बॉडी का पोस्टमार्टम किया और आपको सिर्फ दो गोलियां मिली। आप इतने बता सके हैं कि सुभाष की बॉडी में से दो बुलेट्स हासिल हुई हैं? जी। अरे पर दो बुलेट्स में उस जगह का एड्रेस तो नहीं लिखा जहां सुभाष को छुपा रखा था? अभी ऐसी गोली बनी नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि इतना काफी नहीं है, इससे केस में आगे नहीं बढ़ा जा सकता। इतना जानने से क्या फायदा होगा कि सुभाष ने अपने आप को गोली मार ली? ये फॉरेंसिक लैब है या जादू की दुकान? मैं कोई जादू करूं जो मुर्दे का मुंह सूंघकर ये बता दूं कि उसका जन्मदिन कब है? मैं सिर्फ वही बता सकता हूं जो मेरे सामने है, बस। एसीपी साहब, आप तो कह रहे थे कि आपकी फॉरेंसिक लैब में आदमी कुछ भी कर सकता है। मैं सही कह रहा था। एक मिनट, जस्ट अ मोमेंट। आप खुद ही क्यों नहीं कर लेते पोस्टमार्टम? करो या एक मिनट, आप सुभाष के कान में जोर से चिल्लाकर इसी से क्यों नहीं पूछ लेते वहां क्या हुआ था? शायद ये आपकी बात सुन ले। पूछ लो। आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? बेवकूफ हो मैं तो मुझे हेडबॉर्ड से बात करने को कह रहे हैं? प्लीज। करेक्ट। अब की ना सीधी बात। डॉक्टर साहब शांत हो जाइए। आपने मुझे फोन पे किसी छोटी सी एक पेपर की गोली के बारे में बताया था, क्या है? क्या ये बताने देंगे तो बताऊंगा? ओहो। और इन्हें नहीं बताऊंगा। अच्छा मुझे तो दिखाओ। ओके। ये देखिए, पेट के अंदर जो मैस था उसमें से मैंने बड़ी मुश्किल से इसे ढूंढ कर बाहर निकाला है। बड़ी गीली सी चीज थी, अब मैंने इसे सुखा लिया है। खोल कर देखा क्यों नहीं? आप लोगों का इंतजार कर रहा था। अब खोल कर देखो, बड़ी डेलिकेट चीज है, खोलते ही कहीं फट ना जाए। बड़ी सावधानी से खोलना पड़ेगा इसे। पेट के अंदर जो एसिड होते हैं उसमें खुला नहीं, बच गया। बस यहां पर कुछ लिखा हुआ है। मुंबई 48 किलोमीटर। इस पेपर पे जो कुछ भी लिखा हुआ था वो इतना इंपॉर्टेंट था कि सुभाष ये पेपर खा गया। ये इंफॉर्मेशन बदमाशों के हाथ में लग जाए इसलिए। लेकिन मुंबई 48 किलोमीटर क्या हो सकता है? मुंबई 48 किलोमीटर।